यार ये आज ना हमारे कॉलेज में मिला था ये भाई मोहम्मद अली साहब जनाब, दूसरा नंबर इनका है जनाब, नात पढ़ी है इन्होंने माशाल्लाह बड़ी प्यारी यार। अभी यार लंगर हमारे हाथों में है, ये डब्बे आप देख सकते हैं, ये आई थिंक इसमें पट है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। खोल के दिखाएं। ओ बेची ओ बोटियां चक कर यार मेरा। तो ये जनाब देखिए काफी लड़के इधर एंजॉय कर रहे हैं, वो देखिए रोड के पार बैठ के लड़के एंजॉय कर रहे हैं खाना, हम भी देखते हैं कोई जगह यार बैठ के खाते हैं। यार ये देखे अपना डब्बा इसको पकड़ा रहा है, किसी को शक ना हो कि मैं भी लेके आया हूँ। नहीं 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 नहीं, जान बूझ के ऐसी हरकतें, अपने बैग में भी वो भी दो दो। चीटिंग 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 करता है तू। बैग के अंदर देखे रखा हुआ है डब्बा, ये मोहम्मद से आम है, ये मोहम्मद से आम है, मेरा बिग फैन भी बैग में डाल लिया। ये श्याम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं यार, जी श्याम भाई क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे आज तो मिलाद था, कॉलेज वालों ने अखीर की बहुत अच्छे इस्तकबाल किया, लेक्चर दी हमारे प्रोफेसर जहांगीर साहब ने। ओ फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे हमें हमारे प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, ओ वीपी साहब, उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, बाकी अल्लाह कामयाब हो कामरान रखे हमें। कल हमारा तो दुआ कीजिएगा जैसा कि श्याम भाई कह रहे थे, कल हमारा रिजल्ट है, ये देखे सबके मुंह बने हुए हैं। वैसे तो बिरयानी के डब्बे लेके काफी खुश हैं, लेकिन जो है ना एक भाई अंदर ये देखे यार, यहाँ पे काफी जो है ना लड़के एंजॉय कर रहे हैं बैठ के सड़क के पार, खाना वगैरह खा रहे हैं, देखे माशाल्लाह रौनक लगी है, अल्लाह रौनक लाई है यहाँ पे। तो वहाँ पे देखे नीचे वो नीचे खड़े हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जगह कहीं नहीं मिली तो रोड पे बैठ के खा ले। और एक ये है, इनको कोई जगह ही नहीं मिल रही बैठ के खाने, श्याम भाई ने तो बैग में पैक कर लिया हुआ डब्बा, हम घर जा खाएंगे आराम से, एक कॉल है कि आराम से खाना घर आ जाइए। हाँ जी आराम से घर बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह। और अभी यार एक बंदे का इंतजार कर रहे हैं, ओ जेडी साहब हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है की है। सर ये हमारे प्रोटेक्टर आ रहे हैं, ये हमारे प्रोटेक्टर इंसान है बिल्कुल। यार यहाँ पे देखिए इन्होंने मुझे बैंक बना लिया हुआ है, अपने सारे डब्बे मेरे पास हैं, मैं और श्याम यहाँ से डब्बे लेके फरार होने लगे हैं। श्याम भाई भाई आप अपने राह जाए, हम अपने राह जाए, और मेरे पास है सारे डब्बे। जेडी साहब हो गया जी, अब पेट्रोल गया ये अभी हम जगह ढूंढने लगे हैं कोई अच्छी सी बैठ के, यहाँ पे बैठ के ना तो आराम से पेट्रोल हो गया, तनावुल फरमाते हैं खाना आराम से। आसिम का यहाँ पेट्रोल खत्म हो गया, ये देखे ये पीछे दो चवले खचे आ रही हैं मेरे पीछे। बहुत तेज हो रहे हैं सारे यार, ये मिलाद होता है मनाने के लिए, ये देखे इतने यहाँ पे खाने के लिए हो गया, चावल लोग हैं खा रहे हैं। तू यार अभी हमने ना यहाँ पे मैं व्लॉग में आ रहा हूँ आपको डब्बे, यार अभी हमने मिलकर डिसाइड किया है कि हम कब्रिस्तान में बैठ के खाना खाएंगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आज जो है ना मुर्दों के लिए दुआ करेंगे। यहाँ पे देखे ये देखे जैन अली साहब फरार हुए थे, अभी पहुंचे हैं हम तो परेशान हो गया था।
हाफज परेशान हो गया था कि पता नहीं कहाँ पे ले चला गया डब्बा। कोई पता नहीं यार, मेरे पिंड में चले यार बैठ के खा लेते हैं इधर ही। हमारी यार ये यहाँ पे देखे हमने डब्बे वगैरह खोले हुए हैं, डब्बे के अंदर काफी जो है माशाल्लाह बोटियाँ एक एक आई है पूरी पूरी। हाँ जी, और ये आसम को पता नहीं क्या प्रिंसिपल के साथ कोई डब्बा नहीं पे आ रहा है इसका। वो दो बोटियां मुझे मिली हैं, मैं बहुत खुश हूँ, इनके साथ मेरा मजाक ही नहीं बोलता। दो मिनट लगा के छुपे नहीं, तीन मिनट जैन अली साहब देखे अपराए हो के बैठ गए हैं, बगाने बगाने बंदू की तरह बैठ गए हैं कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। तीन मिनट एक बोतल भी लगी है ना श्याम भाई, गले फंस गई। नहीं नहीं, ये अजुनेद भाई फरमा रहे हैं कि जिसका लास्ट पे चावल बच गए या लास्ट पे जो रह गया खाते वक्त, उसका सब मिलके फिर उसकी खाएंगे। हाँ, मदद करेंगे उसकी। हाँ जी, तो यार मैं क्या कह रहा था कि ना इनमें से ना किसी एक बंदे को गुस्सा करना चाहिए यार, गुस्सा करके ना बोतल ले आए डेढ़ लीटर वाली, कसम से मजा आ जाए बिरयानी के साथ बोतल साथ में मीठे चावल। आपको पता है मैं, मुझे तो ये बीमारी नहीं है कि मुझे गुस्सा आ जाए। जिदा पेंडे पता है पेंडा है आग बंद है ना। हां जिंदा गाऊं है सारा मेरी ये है पेंडे जरा मुर्दे है, तो ये मुर्दों के पिंड आए हुए हैं। हां मुर्दों के पिंड में आए हैं, आए भी कब्रिस्तान है हम लोग। यहाँ पे देखें अब पता नहीं, दिस इज माय बनान आई वॉश मतलब साफ गड्डी, आई वॉश मतलब साफ गड्डी एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो यार ये आसम भाई बोतल पिलाने लगे हैं। ओ मैं नहीं आखिया नंगा होने वाला है गांडू। मोड़ो यार गड्डी नहीं जाने दे यार बोतल ठंड देना, थोड़ी गुफ्तगु करनी आप जान रहे सब। मैं आगे कह रहे थे कि यार अपने दोस्तों को बोतल पिला देना यार, मेरा बड़ा भाई पिलाएगा, मार दे तू जाना ही कुछ कर दिया साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। यार ये हमने ना बड़ी बोतल ले लिया 2.25 लीटर वाली, यार ये 2.25 लीटर वाली बोतल देखे खत्म हो गई तकरीबन, हर पे ना मैंने अपने लिए घूंट बचाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये कोका कोला पी के तो काफी जो है लड़के स्ट्रांग हो गए हैं। बिरयानी खाई है, ये देखे ना जैन अली कैसी हरकतें कर रहे हैं। ओके गाइस, आज तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।